गाइस, माई सेल्फ अब्दुल शाहिद। दोस्तों, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड पार्ट लेंगे। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखा। दोस्तों, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में कुछ और सीखेंगे। कुछ कंजंक्शन वर्ड के बाद में जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करते हैं तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को दर्शाता है। दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर कुछ कंजंक्शन वर्ड दिए हुए हैं, व्हेन, अंटिल, एज सून एज, आफ्टर, बिफोर, दोस्तों कंजंक्शन वर्ड वो कहलाते हैं जो दो टेंसों को, दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। जैसे कि आई लाइक हर बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हर। मैं उसे पसंद करता हूँ लेकिन मेरे परिवार वाले उसे पसंद नहीं करते। तो इसमें बट जो यूज़ किया गया है वो कंजंक्शन वर्ड है। दोस्तों, इसी तरीके से कुछ कंजंक्शन वर्ड, इन कंजंक्शन वर्डों के बाद में जब भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को दर्शाता है। देखिए, आई विल टेल हिम अबाउट दिस व्हेन ही आस्क, वह पूछेगा तब मैं उसे इसके बारे में बताऊंगा। वेट अंटिल आई कम, मेरे आने तक इंतजार करें। आई विल लीव एज सून एज ही कम्स, उसके आते ही हम निकलेंगे। आई विल ईट आफ्टर आई कम, मैं आने के बाद खाऊंगा। शट ऑल द विंडोज बिफोर यू गो आउट, बाहर जाने से पहले सभी खिड़कियां बंद करें। दोस्तों, इसके अंदर देखा, पहले टेंस के अंदर ही आस्क, अगर दोस्तों हमारा पहले का सेंटेंस नहीं हो तो ही आस्क का मतलब निकलेगा वह पूछता है। दोस्तों, लेकिन यहां पर हमारा कंजंक्शन वर्ड के बाद में इस्तेमाल हो रहा है तो दोस्तों इसका अर्थ निकल रहा है वह पूछेगा, यानी फ्यूचर टेंस को दर्शा रहा है। वह पूछेगा तब मैं उसे इसके बारे में बताऊंगा। आई विल टेल हिम अबाउट दिस व्हेन ही आस्क। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस न्यूज़पेपर की हेडलाइंस दिखाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया विंस द मैच,